गाइस, हमेशा इस बात की चर्चा जरूर होती है कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता कि भारत की सबसे अमीर औरत कौन है। चलिए हम आपको बताते हैं। भारत की सबसे अमीर औरत है जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष सावित्री जिंदल, जिनकी पूरी संपत्ति 1400 करोड़ से भी ज्यादा की है, जो कि पिछले 2-3 सालों में 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है। और सावित्री जिंदल की उपलब्धि इसीलिए और खास हो जाती है क्योंकि वो कभी भी कॉलेज गई नहीं। इसके बावजूद 2005 में उनके पति ओपी जिंदल की मृत्यु के बाद उन्होंने बिना घबराए कंपनी की बागडोर संभाली और सक्सेसफुली जिंदल ग्रुप को इंडिया के सबसे फेमस कंपनीज में शुमार कर दिया, जो कि बड़ी डिग्री वालों के लिए भी इम्पॉसिबल सा काम है। गाइस, सावित्री जी की कहानी उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि डिग्री ना होने की वजह से कुछ बड़ा करने से डरते हैं। जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है इनका नाम। जी हाँ गाइस, द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। लेकिन इसके बावजूद भी उनका डाउन टू अर्थ नेचर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये हमें तब देखने को मिला जब ये इसी साल जनवरी में इंडिया आए और अमेज़न की तरफ से, जी हाँ, अपनी ही कंपनी की तरफ से एक डिलीवरी मैन बन गए और एक जगह उन्होंने अमेज़न की तरफ से प्रोडक्ट को डिलीवर भी किया। गाइज, अब आप समझ चुके होंगे कि अमेज़न इतनी ऊंचाइयां क्यों छू रही है। जब नेतृत्व ही इतने कमाल का हो तो कंपनी ऊंचाइयां छुएगी ही। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विसेज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और कस्टमर्स को किंग मानती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।